मुंबई का मेट्रो शुरू होने का ना जाने कब से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अब उनका ये इंतजार और भी लंबा होता हुआ नजर आ रहा है। जहां MMRDA को लिखे एक पत्र में मेट्रो रेलवे सेफ्टी वेस्टर्न सर्कल, मुंबई के आयुक्त RK शर्मा ने मुंबई मेट्रो लाइन 7 पर कई प्रमुख कमियों के बारे में लिखा, जहां इनका ट्रेन की सुरक्षा पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। इसलिए अटकलें लगाई जा रही है कि मेट्रो लाइन 7 की शुरुआत में देरी हो सकती है। CRMS ने 19 और 20 फरवरी को मेट्रो लाइन 7 स्टेशनों का निरीक्षण करने पर पाया कि किसी भी मेट्रो स्टेशन पर बैग स्कैनर जैसी सार्वजनिक सुरक्षा नहीं थी। यात्रियों के लिए आपातकालीन निकासी मार्ग बाधित है। इसके अलावा पैदल मार्ग की चौड़ाई आवश्यकताओं का पालन नहीं किया गया है। सभी मेट्रो स्टेशन पर एस्केलेटर प्रिंट स्प्रिंकलर्स व्यवस्था की सुरक्षा का काम बाकी है। मेट्रो स्टेशन पर पब्लिक साइन बोर्ड भी बाकी है। वहीं दूसरी ओर पश्चिमी ओर के यात्रियों की कनेक्टिविटी नहीं की गई। स्टेशन को आग, पुलिस या अस्पताल तक पहुंचने के लिए किसी भी तरह की तैयारी नहीं की गई। किसी भी स्टेशन पर दृष्टि बाधित लोगों के लिए स्पर्श मार्ग नहीं बना है। दिव्यांगजन शौचालयों में भी सुविधाएं अधूरी है। मेट्रो स्टेशन पर गली के स्तर पर CCTV का काम भी बाकी है। इसके अलावा कुछ कमरे में स्मोक और हीट डायरेक्टर काम नहीं कर रहे थे। सड़क के स्तर पर दमकल गाड़ियों के लिए भी जगह निर्धारित नहीं की गई है। वहीं पोईसर, मगाथानी और राष्ट्रीय उद्यान मेट्रो स्टेशन पर सड़क के स्तर पर प्रवेश और निकास का काम अधूरा है। अकुर्डी स्टेशन पर सीढ़ियों को छत लगाने का काम बाकी है। इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए फायर हाइड्रेंट की व्यवस्था भी नहीं है। कुरार स्टेशन की सीविक इलेक्ट्रिक लिफ्ट के काम और ATVM का काम बाकी है। पोईसर स्टेशन पर टेलीफोन कनेक्टेड नहीं पाए गए और स्मोक डिटेक्टर काम नहीं कर रहे। देवीपाड़ा स्टेशन पर सिविल एरिया में एक ट्रेन ट्रैक के आस काम करते नजर नहीं आए। वहीं मेट्रो रेलवे सेफ्टी बोर्ड ने MMRDA को अब इन कमियों को पूरा करने के लिए कहा, जिसके बाद एक बार फिर निरीक्षण कर दूसरी तारीख तय की जाएगी। मेट्रो मुंबई के लिए तृप्ति सिंह की रिपोर्ट।